हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बेहद अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सबकी डिमांड पर जीएसटी की पूरी सीरीज आप लोगों के लिए यूट्यूब पे लेके आ रहा हूँ। जी हाँ, पूरी की पूरी सीरीज आपको यूट्यूब पे मिलने वाली है। यहाँ हम समझेंगे जीएसटी का गवर्नमेंट सेक्टर के लिए। जी हाँ, गवर्नमेंट एग्जाम में जहाँ पर जीएसटी का यूज होता है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर करने वाले हैं। हालांकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है क्योंकि मैं जीएसटी का प्रैक्टिकल ट्रेनर रहा हूँ। दिल्ली में जब जीएसटी आया भी नहीं था तब से मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ और आज अपने शहर में भी देता हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा टफ होने वाला है क्योंकि अपने इस जीएसटी की नॉलेज को आप लोगों तक लिमिट में पहुंचाना। जी हाँ, क्योंकि अगर मैं पूरी नॉलेज देना शुरू करूंगा तो हो सकता है कि आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो रेलेवेंट ना हो। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों के एग्जाम के अकॉर्डिंग उसको बनाने के लिए। और मैंने यहाँ पर शॉर्ट पॉइंट्स लिखे भी हैं कि मुझे सिर्फ इतना ही पढ़ाना है, इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ना है। क्योंकि जीएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि शायद कहते हैं ना कि हम नींद में भी पढ़ाना चाहें तो पढ़ा सकते हैं, वैसा ही मेरे साथ है। तो फ्रेंड्स, अब हम ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए जीएसटी के लेक्चर को शुरू करते हैं। पहला लेक्चर आपका थोड़ा लेंथी होगा क्योंकि मुझे यहाँ पर बेस बनाना है। इसके बाद वाले लेक्चर में छोटे छोटे टुकड़ों में आप लोगों को देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब हम जीएसटी की बात करते हैं तो जीएसटी में, हालांकि तो मैंने ये स्लाइड बनाया ताकि मैं अपने आप को कंट्रोल में रखूं, मुझे इससे बाहर ना जाना पड़े, बट कुछ चीजें हैं जो मैं जीएसटी में आप लोगों को भी यहां पर बताऊंगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले जीएसटी है क्या, एक नाम हम पढ़ लेते हैं फिर हम जीएसटी को समझना शुरू करेंगे। जीएसटी है क्या? देखिए, जीएसटी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये आप सभी जानते होंगे, है ना, माल और सेवा कर। अब ये आया क्यों, इससे पहले क्या था, उसकी सारी जर्नी हम यहां पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है कि सबसे पहले तो भैया टैक्स स्ट्रक्चर, इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर। अब ये टैक्स स्ट्रक्चर क्यों समझना जरूरी है, तो सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स यहां पर ऐड ऑन करता हूं फटाफट से और मैं थोड़ा फास्ट चलता हूं यहां पर। टैक्स स्ट्रक्चर, अब सबसे पहले तो टैक्स को समझ लेते हैं। टैक्स है क्या? देखिए, बहुत सारे खर्चे करने होते हैं सरकार को देश चलाने के लिए, उसके लिए उसको पैसा चाहिए होता है। वो पैसा उसको कई माध्यमों से मिलता है, सिर्फ टैक्स से नहीं मिलता, कई माध्यमों से मिलता है, उसमें से एक माध्यम है टैक्स। ठीक है जी। टैक्स यानी कर, ये बहुत पुरानी परंपरा है, जैसे हम सुनते थे राजा महाराजाओं के टाइम से, वो वैसा का वैसा चलता आ रहा है। आपने कभी लगान के रूप में सुना होगा या किसी और शब्दों के रूप में आप इसे पहले जानते होंगे। तो वो एक शब्द है टैक्स, जिसे हम हिंदी में बोल देते हैं कर। अब जो कर है इंडिया का आजादी के बाद, वो दो भागों में बांटा हुआ है, एक बांटा हुआ है डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष। ठीक है जी। अब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में क्या डिफरेंस है उसको हम समझ लेते हैं। प्रत्यक्ष कर वो कर है जो जिस पे लगता है उसी से वसूला जाता है, यानी कि जिसके ऊपर लेवी किया जाता है, मैं इंग्लिश में भी बोलता हूं इसको, जिसके ऊपर लेवी किया जाता है उसी से ही रिकवर किया जाता है। एंड सेम टाइम जब इनडायरेक्ट टैक्स की हम बात करते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स मतलब अप्रत्यक्ष कर, जिस पे लगता है वो ना चुकाकर किसी माध्यम के थ्रू सरकार को मिलता है। सर, किसी माध्यम के थ्रू? मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, होता क्या है, जैसे आपका आज आप कोई बिस्किट लेके आते हैं तो वो टैक्स आपसे लिया जाता है, यानी कि फाइनल कंज्यूमर से। टैक्स कौन देता है? फाइनल कंज्यूमर। पर वो जाता किसके थ्रू है? वो एक दुकानदार के थ्रू, जिससे आपने सामान खरीदा था वो सरकार को जमा करवाता है। अभी आपको सुनने में बहुत सिंपल लग रहा होगा पर इसके अंदर भी एक बहुत लंबी चौड़ी चैन होती है, उस चैन के ऊपर भी हम आगे जाकर चर्चा करेंगे। तो यहां पर अभी आपने समझा दो तरह के टैक्स है, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। अभी यहां पर मैं आगे और बढ़ूं उससे पहले मैं अभी थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं, ये पॉइंट्स आपको लिखने चाहिए। जब मैं डायरेक्ट टैक्स की बात करता हूं तो एक एमसीक्यू आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ये डायरेक्ट टैक्स, जो हमने इनकम टैक्स की बात भी करते हैं, चलो सबसे पहले उसका एक एग्जांपल कर लेते हैं जो कि है इनकम टैक्स। ठीक है जी। इनकम टैक्स यानी कि आय पर लगने वाला कर, वो क्या है? डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल। और इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर के कुछ एग्जाम्पल है सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। अब सर, ये दो भागों में कैसे बट गया? सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स, यानी कि आपको मालूम होगा हमारे इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब सेंटर, यहाँ पर दो तरह की सरकारें हैं, एक केंद्र सरकार और एक है राज्यों की सरकारें। ठीक है जी। इनके अपने अपने काम बांटे गए हैं संविधान के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। उन संविधानों के अकॉर्डिंग ये अपने अपने कर प्रणाली को रखते हैं। ओके, तो आपने ये भी समझा होगा, हम लोग जब बात करते हैं कि इनकी पावर्स कहाँ दी हुई हैं संविधान में, तो इनके कुछ पावर्स भी लिखी हुई हैं। इनकी पावर यानी कि जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, एक पावर, एक लिस्ट बनाई गई है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट अपने बनाती है, और एक है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है जी, समवर्ती लिस्ट जिसे आप बोल देते हैं, जहां पर दोनों सरकारें अपने नियम बना सकती हैं। ठीक है। सेंट्रल टैक्स बनाता है अपने यूनियन लिस्ट में, स्टेट टैक्स के लिए बनी हुई है, स्टेट टैक्स लगाने के लिए स्टेट लिस्ट है, और दोनों जहां पर अपने नियम कायदे बना सकते हैं वो है कॉन्करेंट। ठीक है। तो इस तरह का संविधान में इनको
प्रावधान दिया गया है कि आप अपने कर को लागू कर सकते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ अगर आप वो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके, क्योंकि बोलने को बहुत कुछ है मेरे पास मैटर, पर मैं उतना लिखवा नहीं सकता हूँ, ठीक है। अदरवाइज तो ये जीएसटी बहुत चलता जाएगा। तो जब मैं बात करता हूँ सेंट्रल टैक्स कौन कौन से टैक्सेस लगाती थी, तो देखिए अभी लगते हैं या नहीं लगते उसकी बात नहीं कर रहा, पर आपको कुछ समझाना चाहता हूँ उसके लिए मैं यहाँ चर्चा करता हूँ, ठीक है। तो सेंट्रल टैक्स में ना सबसे पहले सेंट्रल एक्साइज टैक्स लगता था, ये जीएसटी आने से पहले है। अब क्या स्ट्रक्चर है वो भी हम चर्चा करेंगे इसके आगे। तो ये देखिए सेंट्रल एक्साइज लगता था, सर्विस टैक्स लगता था, कस्टम लगता था। कस्टम लगता था भी और है भी, मतलब जीएसटी से पहले था भी और है। तो इस पॉइंट को आप स्टार मार करके रखेंगे, ये कई बार एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि भैया कस्टम टैक्स आज है या नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि कस्टम ड्यूटी तो आज भी लग रही है, और कस्टम टैक्स नहीं लिखा जाता, कस्टम ड्यूटी लिखी जाती है, ठीक है। सर्विस टैक्स ये क्या था, सेवा कर, ये आज है, मैं कहूंगा नहीं है पर है। सर ये क्या बात है, नहीं है पर है, जी हाँ मैं बताऊंगा कैसे है, पर इस नाम का टैक्स अब खत्म हो गया है, नाम खत्म हो गया, काम आज भी है, कर आज भी है, ठीक है। सेंट्रल एक्साइज ये नाम भी खत्म हो गया, काम भी खत्म हो गया, सिर्फ थोड़ा सा रह गया, वो भी कहां रहा, पेट्रोल डीजल पे, समझ रहे हैं आप, पेट्रोल डीजल जैसी चीजों पे अभी बचा है, अदरवाइज ये भी खत्म हो गया है। तो मैंने कई चीजें बता दी यहां पर, इतने से वीडियो में आपको बहुत सारा ज्ञान बता दिया, यहां से एमसीक्यू बन सकते हैं। एक एक वर्ड मेरा ध्यान से सुनिएगा, एक एक वर्ड, आपके जीएसटी के सारे क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएंगे। सिर्फ 2 से 3 घंटे के मैं ये पूरी सीरीज बनाने वाला हूं, अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से सुन लीजिए, 2 बार सुन लीजिएगा इस सीरीज को, आपके एमसीक्यू कहीं से बाहर से आएंगे नहीं, ये मेरा पूरा का पूरा दावा है, ठीक है जी। अच्छा सर इतना दावा, इतना कॉन्फिडेंस, जी हाँ इसीलिए तो बोल रहे हैं। स्टेट टैक्स, अब स्टेट टैक्स में वैट होता था, वैल्यू एडिड टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स। अब ये टैक्स है नहीं भी और है भी, सर यहां भी कंफ्यूज कर रहे हो। देखिए इस नाम का टैक्स हट गया है पर इस काम का टैक्स आज भी है, ठीक है ओके। एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, लॉटरी टैक्स, ये सारे टैक्स होते थे, ये खत्म हो गए हैं, तो ये आज के डेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इनको जीएसटी में शामिल कर दिया गया है, वो भी बताऊंगा कैसे कैसे है, ठीक है जी। तो 2 तरह के टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का भी 2 भागों में बांटा गया, एक सेंट्रल टैक्स और एक स्टेट टैक्स, ओके। अब जब डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो डायरेक्ट टैक्स को कौन संरक्षण देता है, कौन संभालता है काम का। संरक्षण देने का मतलब है, देखिए होता क्या है, टैक्स को संभालने के लिए यहां पर हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री, देखिए क्या है, फाइनेंस मिनिस्ट्री वित्त मंत्रालय है, जहां पर आज उनकी वित्त मंत्री कौन है, फटाफट से बताएंगे आप वित्त मंत्री कौन है, मैं ही बता दूं, निर्मला सीतारमन जी, ठीक है। और उन्हीं के साथ आप अनुराग ठाकुर जी को भी देखते होंगे, ठीक है, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, स्टेट एंड स्टेट मिनिस्टर है, मतलब ऐसी एक पोस्ट होती है सेंटर की, तो वो है अनुराग ठाकुर जी, ये दोनों आपको दिखेंगे, और जीएसटी के कामों में ये दोनों दिखेंगे, और मैंने क्यों बताया इसकी चर्चा में आगे करूंगा, ठीक है। उसी तरह स्टेट्स में भी क्या होता है, स्टेट के भी फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, और फाइनेंस डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर हर स्टेट में भी बनाए जाते हैं, ओके। तो इनका काम क्या होता है, जो पैसा आना है टैक्स का या जो खर्चे करने हैं उनको उनको मैनेज करना, उनके ऊपर अपना नियंत्रण रखना। अब जो सेंटर में है, सेंटर में क्या है, डायरेक्ट टैक्स सेंटर का आपको मालूम ही होगा, और इनडायरेक्ट टैक्स में भी सेंटर भी तो लेता है ना, देखिए। तो जो सेंटर की बात करते हैं अगर हम, तो वहां पर क्या है, वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के भी 2 भाग है, ध्यान दीजिएगा, वित्त मंत्रालय के भी 2 भाग है, एक देखेगा खर्चे और एक देखेगा इनकम, ठीक है जी, एक देखेगा खर्चे और एक देखेगा इनकम। इनकम देखने के लिए, ध्यान दीजिएगा मैं बात कर रहा हूँ इनकम देखने के लिए, इन सबका हेड कौन है, इन सबका हेड होता है फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी, उनके अंडर में 2 डिपार्टमेंट है, एक खर्चों के लिए और एक इनकम के लिए। अब इनकम के लिए जो डिपार्टमेंट है, ध्यान दीजिए, उसके अंदर भी 2 भाग बने हुए हैं, एक बना हुआ है सीबीडीटी और एक है सीबीआईसी। अब ये सी मतलब कस्टम है, आई मतलब इनडायरेक्ट टैक्स है, सेंट्रल बोर्ड है इसका मतलब, सीबी मतलब सेंट्रल बोर्ड, ये डी मतलब डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट और ये टैक्स, ठीक है, मतलब समझ गए ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सीबीआईसी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट एंड कस्टम, यानी कि इसमें क्या है, दोनों शामिल होते हैं। तो कस्टम आज भी ये ध्यान रखिएगा, और ये नाम बदल चुका है, ठीक है ओके। पहले ई होता था, आई की जगह एक्साइज होता था, ठीक है चलिए। तो अब क्या है, सीबीआईसी इसका नाम है। अब ये सीबीडीटी किसको देखता है, ये देखता है इनकम टैक्स को, जब हमने इनकम टैक्स पढ़ा था तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। और सीबीआईसी किसको देखता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स को देखता है, जो सेंटर वाले हैं, ओके ये बात क्लियर रहेगी। हाँ खर्चे वाला तो विभाग ही अलग से है, जब आप बजट बनाते हैं तो इनकम का भी लेके आते हैं ना, अगर आपने बजट को ढंग से सुना हो तो उसके 2 भाग होते हैं, एक इनकम का भाग और एक होता है खर्चों का भाग। खर्चों के भाग में सबसे पहले मैडम पढ़ती है ना कि हम शिक्षा में इतना खर्च करेंगे, हम हॉस्पिटल में इतना खर्च करेंगे, हम हेल्थ पे मतलब हॉस्पिटल मतलब हेल्थ, हम ग्राम को इतना देंगे वगैरह वगैरह, वो खर्चों का भाग होता है।
अभी आपको ये समझ में आया, ठीक है जी। तो सीबीआईसी क्या करती है, इसमें जीएसटी में सर्वे सर्वा है जीएसटी के लिए, और सीबीडीटी क्या है, इनकम टैक्स के लिए सर्वे सर्वा है। ये हम समझ कर चलेंगे। एक पॉइंट जो मुझे समझाना है वो आपको ध्यान देंगे, जो इनकम टैक्स है वो कौन सा टैक्स है, प्रोग्रेसिव। मैं एक वर्ड बता रहा हूं यहां पे, ये क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको, स्टार मार्क कर लेंगे। इनकम टैक्स कौन सा है, प्रोग्रेसिव टैक्स है। प्रोग्रेसिव मतलब सर, देखिए प्रोग्रेस का मतलब, प्रोग्रेस का मतलब समझते हैं तरक्की। जैसे जैसे लोग इनकम ज्यादा कमाते हैं, मान लीजिए कोई कमाता है 4 लाख 5 लाख, कोई कमाता है 50 लाख, तो जैसे जैसे आप इनकम ज्यादा कमाओगे वैसे वैसे टैक्स भी आप पे ज्यादा लगेगा, और जैसे जैसे इनकम आपकी कम होगी वैसे वैसे टैक्स भी कम लगेगा। तो वो क्या है, प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। ये ध्यान रखेंगे, एमसीक्यू बनता है। और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो प्रोग्रेसिव नहीं होता, वो रिग्रेसिव होता है। क्या होता है वो, रिग्रेसिव, ठीक है। अब इसको हिंदी वर्जन, मुझे इसका वर्ड थोड़ा सा भी क्लिक नहीं कर रहा है। और प्रोग्रेसिव टैक्स मतलब वृद्धि के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे आप तरक्की करोगे वैसे टैक्स लगेगा। और रिग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या है, रिग्रेसिव का मतलब होता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या खरीद रहा है, आज मैं बिस्किट खरीदू या अंबानी जी खरीदे, दोनों पे बराबर टैक्स लगने वाला है। मैं का मतलब मेरे जैसा गरीब, सर गरीब और क्या, तो मेरे जैसा गरीब अगर बिस्किट खरीद रहा है या अंबानी जी बिस्किट खरीद रहे हैं, दोनों पे एक ही टैक्स लगने वाला है, कोई अंतर नहीं है। मैं डिओड्रेंट लेके आ रहा हूं, मेरे पे भी वही टैक्स लगना है, या सलमान खान या शाहरुख खान मंगवा रहे हैं उस पे भी वही टैक्स लगना है। तो कहने का मतलब है इनडायरेक्ट टैक्स देखता नहीं है किस पे लग रहा है किस पे नहीं लग रहा, डायरेक्ट टैक्स देखता है कि भैया जितना कमाओगे उसके अकॉर्डिंग आपके ऊपर टैक्स लगेगा। अगर आप ज्यादा कमाओगे तो 30% के स्लैब में चले जाओगे, और अगर कम कमाओगे तो आपको छूट में या 10% 5% वाले स्लैब में भी आपको डाल दिया जाएगा। हालांकि आज की डेट में 10% वाली कोई स्लैब नहीं है, 5 से सीधा ही हम चले जाते हैं 20 के ऊपर, ठीक है। ओके, तो ये हमें समझ कर चलना है। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताया, आप उनको ध्यान रखेंगे। मैंने जगह जगह पे बताया, यहाँ भी बताया, ये सीबीडीटी वाला मैटर ये याद रखेंगे, ठीक है। ये दो विभाग होते हैं याद रखेंगे, सबसे बड़ा हेड कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। प्रोग्रेसिव टैक्स बताया, रिग्रेसिव टैक्स बताया, बहुत सारे टैक्सेस बता दिए मैंने आपको, डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल बताया, देखिए कितने एमसीक्यूज हो गए यहां पर। इनडायरेक्ट टैक्स की मैंने आपको ये कुछ चीजें बताई, तो ये बातें आपको अभी तक मैंने यहां पर समझाई हैं। इसके अलावा मैंने जो प्लान किया था वो मैंने आपको यहां तक बताया, ठीक है जी। मैं अभी अपने प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, पर मुझे पूरा पूरा पता है कि मैं अपने प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल पाऊंगा, क्योंकि नॉलेज इतनी है जीएसटी के ऊपर पर्टिकुलरली कि वो नॉलेज बाहर दिखेगी आपको आती हुई। जब मैं बात करता हूं यहां पर, हालांकि मैंने अपने बांधने के लिए स्लाइड्स बनाई हैं, क्योंकि अगर मैं लिख लिख के पढ़ाता तो शायद कहीं भटक भी सकता था। तो देखिए इनडायरेक्ट टैक्स, अब देखिए हमें डायरेक्ट टैक्स की बातें नहीं करनी यहां पर, अभी हम बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर, फटाफट से मैं बोल रहा हूं, ठीक है। किसी को फास्ट लगता है तो इसको स्लो करके सुन सकता है, क्योंकि अगर मैं इसको स्लो करवाऊंगा तो ये 32 आवर्स में मैं करवाता था दिल्ली में, जब हम दिल्ली में ट्रेनिंग्स करवाते थे, जब जीएसटी आया भी नहीं था, उससे पहले ही मैं जीएसटी की ट्रेनिंग दे रहा था, ठीक है। तो जब मैं वहां ट्रेनिंग दे रहा था तो हम इसको, ये आगे बहुत सारी स्लाइड्स है मेरे पास, पर मैं उन सभी को नहीं करवाऊंगा यहाँ पर। तो ये 32 आवर्स का कोर्स था, पर यहाँ पर मुझे 2 से 3 घंटे में आप लोगों को समझाना है, वो भी एमसीक्यू जो आपके जरूरी है। अब यहां बात करता हूं इनडायरेक्ट टैक्स की। तो देखिए इनडायरेक्ट टैक्स क्या था, पहले ध्यान दीजिएगा, एक्साइज ड्यूटी होती थी क्या सर, आज ये हमें समझना जरूरी है, नहीं बस हल्का हल्का समझा रहा हूं। एक्साइज ड्यूटी जो लगती थी वो मैन्युफैक्चरिंग पे लगती थी, और ये सेंटर के पास पैसा जाता था, सेंटर मतलब केंद्र सरकार, ठीक है जी। कस्टम ड्यूटी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था, ये भी आप ध्यान रखेंगे कि किसके पास जाता था ये, ठीक है। ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगती थी। सर्विस टैक्स सेंटर के पास जाता था, ये भी सेंटर के पास जाता था। ये कब लगता था, जब सर्विस आप देते थे। प्रोविजन ऑफ सर्विस एक वर्ड था, अभी हम इसके ऊपर नहीं जाते हैं। प्रोविजन का मतलब प्रोवाइड करवाने से मतलब है। और सेल टैक्स, वैट, ये सब कहां जाता था, स्टेट के पास जाता था। तो ये दोनों अलग अलग टैक्स थे। तो पहले क्या होता था, जैसे मैंने आपको बताया सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग अलग टैक्सेस लगाने की पावर है, तो ये अपने अकॉर्डिंग अपने अपने टैक्स लेते थे। पर बाद में इनको जब प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम क्या था, अब आते हैं अपने जीएसटी को लाए क्यों थे, है ना। जब हम बात करते हैं जीएसटी को क्यों लाए थे तो हम उसे समझने चलते हैं। एक स्लाइड है मेरे पास, तो सबसे पहले उस पे आए कि हम जीएसटी को क्यों लाए, हमें थोड़ा सा और समझ लेना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन सकता है। देखिए 17 तरह के टैक्सेस को खत्म करके एक जीएसटी लाया गया था, 17 तरह के टैक्सेस को, सॉरी इतने टैक्सेस, यस। और मैं यहाँ पर खत्म नहीं करूंगा, सीए वाले बच्चे मेरी जुबान पकड़ लेंगे, सर खत्म नहीं हुए ये, सब्ज्यूम्ड हुए हैं। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको पहले ही अपनी पहले ही इसको करेक्ट कर लेता हूँ, सब्ज्यूम्ड, SUMED, सब्ज्यूम्ड, ठीक है, स्पेलिंग हो सकता है ऊपर नीचे हो गई हो, सब्ज्यूम्ड कर लिया गया, मतलब
मैं ना एक कहावत बोलता था, कहीं का पत्थर कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, वैसी वाली कहानी हुई यहाँ पर। कि सरकार ने क्या किया, इन सभी टैक्सेस को खत्म तो कर दिया दिखाने के लिए, पर उनको घुमा फिरा के ना जोड़कर एक टैक्स बना दिया जिसका नाम कर दिया सब जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो अभी आपने लास्ट स्लाइड में देखा कि सर्विस के ऊपर भी टैक्स लिया जा रहा था, गुड्स के ऊपर भी टैक्स लिया जा रहा था, तो एक टैक्स लाने का इनका बना कि भैया एक टैक्स लाना चाहिए, तो उसको सब कुछ जोड़ दिया। अब पावर्स दो थी, लड़ाई बहुत होती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कहते थे हम तो ना आते, और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी था यार मेरा पैसा कहीं छूट ना जाए, तो उन सब का सोल्यूशन इन्होंने जीएसटी में निकालने की कोशिश करी। तो 17 तरह के टैक्सेस थे जिनको इसके अंदर शामिल कर लिया गया। कौन कौन से टैक्सेस थे उनके ऊपर अब हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, ये क्या होता था, ये आपको पता है ना, सेंट्रल मतलब केंद्रीय, एक्साइज ड्यूटी। उसके बाद ये बहुत सारे टैक्स लगते थे, आप लोगों को ये नाम पढ़ लेना एक बार सिंपली, ये आपको समझने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे कहाँ लगते थे, कुछ एक्साइज एक्ट पढ़ते थे हम, ठीक है, कुछ हम एक्साइज एक्ट पढ़ते थे तब होते थे, और कुछ ये सीवीडी लगती थी कस्टम में, जब माल बाहर से आता था ना तो उसके साथ में क्या होती थी, ये सीवीडी लगती थी। तो अभी आपको यही याद रखना है कि ये 17 तरह के टैक्स खत्म होते हैं, एक बार इनको पढ़ लेना, मेन मेन मैंने रेड किए हुए हैं यहाँ पर। सर्विस टैक्स आपको ध्यान रखना है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी याद रखनी है, ठीक है, ये एक सरचार्ज और सेस इनकम टैक्स में आज भी है, पर यहाँ पर इन सरचार्जेस और सेस को क्या किया था, जीएसटी के अंदर शामिल कर दिया गया था। ठीक है, स्टेट टैक्स में वैट आपको ध्यान रखना है, सीएसटी ध्यान रखना है, ठीक है, लग्जरी टैक्स, ये सारे टैक्स आपको ध्यान में रखने हैं, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट, परचेज टैक्स, लॉटरी के ऊपर लगने वाला टैक्स, बैटिंग, गैम्बलिंग, ये आप याद रख लेंगे इनको कि कौन कौन से 17 टैक्सेस को शामिल करके, मैं यहाँ वर्ड बोल रहा हूँ, शामिल करके एक नया टैक्स लाया गया था, वो क्या था, जीएसटी। ओके, अब जब हम बात करते हैं कि कौन सा टैक्स लाया गया था, तो यहाँ पर हमें समझना होगा। अब अच्छा देखिए, यहाँ पर हमारे ये कुछ कोर्सेज हैं उसकी चर्चा अब सामने आ गई है। यहाँ पर आपको 30 डेज का कोर्स, अभी तो खूब टाइम भी है जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, पार्ट बी के लिए भी कोर्स है, और पार्ट बी के लिए आप देख पा रहे होंगे ये कोर्सेज हमने लॉन्च किए हुए हैं, तो आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। ठीक है जी, ओके, चलिए वापस आते हैं हम यहाँ पर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं जीएसटी की, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जीएसटी की, तो आया क्यों जीएसटी, अब जीएसटी को समझते हैं कि जीएसटी आया क्या और जीएसटी है क्या चीज। ठीक है, जैसा कि आपने देखा कि 17 तरह के टैक्सेस को, ये ध्यान रखेंगे, 17 तरह के टैक्सेस को शामिल करके एक टैक्स बनाया गया, कुछ को खत्म कर दिया गया, कुछ को वापस वैसे ही का वैसा रखा, नाम बदल दिया गया। तो जीएसटी क्यों आया और व्हाट इज जीएसटी, जीएसटी है क्या, तो सबसे पहले जवाब लेते हैं जीएसटी आया क्यों, सबसे पहले उसको समझते हैं। नाम आपको याद रहेगा जीएसटी, फटाफट से बताओ क्या नाम है, सर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, हिंदी में बोले तो माल एंड सेवा कर। अब ये आया क्यों उसको समझ लेते हैं, उसको समझने के लिए ये चार पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी थे, एलिमिनेटिंग कास्केडिंग इफेक्ट। अब ये एलिमिनेट का मतलब होता है खत्म करना, देखिए एलिमिनेट का मतलब होता है खत्म करना, मैं इसको लिख देता हूँ खत्म करना, कास्केडिंग मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स, इसको लिखना चाहे तो टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स, उस चीज को खत्म करने के लिए। मतलब पहले क्या होता था, एक टैक्स लगता था उसके ऊपर दूसरा टैक्स लग जाता था, तो उससे क्या होता था, प्रोडक्ट महंगा हो जाता था, तो उसको खत्म करने के लिए ये लोग क्या कर लाए, जीएसटी लेकर आए। अच्छा, दूसरा कारण इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कामकाज और बढ़िया हो जाए। पहले देखिए स्टेट कई तरह के टैक्स लगाता था, जैसे एग्जाम्पल लें, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं एक सिनेमाघर का, पहले मैं बताता हूँ क्या होता था और आज क्या होता है। सिनेमाघर, सिनेमाघर में मूवी चलती थी, हाँ, तो वहां पर टैक्स कौन सा लगता था, एक सर्विस टैक्स भी लगता था और एक एंटरटेनमेंट टैक्स भी लगता था। सेम ऐसे जैसे आपके घर डिश आती थी, तो एंटरटेनमेंट टैक्स जाता था स्टेट गवर्नमेंट के पास, सर्विस टैक्स जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अच्छा, सिनेमा में जब आप जाते हो तो खाना पीना भी करते थे वहां पे, समोसा कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो वहां लगता था वैट, वहां क्या लगता था, वैट। तो भैया ये तीन तरह के टैक्सेस लगते थे एक सिनेमा वाले को, और इन तीन तरह के टैक्सेस के लिए उसको तीन तरह की रिटर्नें भरती थी, तीन तरह के टैक्सेस चुकाने पड़ते थे, बहुत सारा उसको काम का ध्यान रखना पड़ता था, बहुत सारी पेनल्टियां लगती थी, बहुत सारे ऑफिसर उसको तंग करते थे, तो बहुत दिक्कत थी सिनेमा जैसी चीजों में। तो यहाँ पर बहुत सारे टैक्स लगते थे, तो उन सबको कम करके क्या कर दिया, एक टैक्स है उसको अब अलग अलग अधिकारियों से नहीं पंगा लेना, उसको अलग अलग पेनल्टियां नहीं भुगतनी, उसको अलग अलग रिटर्न फाइल नहीं करने, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। ठीक है, सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर, इन्होंने कहा कि भैया टैक्स स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट है, उसको मतलब अलग अलग तरह के अलग अलग टैक्स के रेट, वैट में 5% भी था, 5.5% भी था, दिल्ली में अलग था, राजस्थान में अलग था, तो पूरे इंडिया में एक जैसा करने का इनका प्लान हुआ। और बाद में इन्होंने कहा कि चौथा पॉइंट क्या है, सब कुछ टेक्नोलॉजी में लाओ। पहले कहा था टेक्नोलॉजी का कोई लेना देना नहीं था, सब मैनुअल चले जा रहा था, हाथ से काम हो रहा था, तो इन्होंने कहा भैया नहीं, अब टेक्नोलॉजी आ गई है, कंप्यूटर आ गया, स्मार्टफोन आ गया, एप्स आ गई हैं, तो इनको लाओ इंटरनेट पे,
खत्म करो ये सारी कहानी से, ठीक है। तो ये चार कारण थे जीएसटी को लाया गया, और सबसे बड़ा कारण था यही टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था। सर ये टैक्स के ऊपर टैक्स कैसे लगता था, चलो आगे हम इसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेंगे। तो ये चार कारण थे, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। अभी क्या हुआ, ये टैक्स के ऊपर टैक्स वाली चर्चा में थोड़ी समझा देता हूँ, हालांकि मैं इसको अपने प्रैक्टिकल लेक्चर में तो बहुत डिटेल में समझाता था, आपके लिए इतना जरूरी नहीं है ये, ठीक है। सीए वाले स्टूडेंट्स को ये पहले से आता होगा, बट आप लोगों के एग्जाम में ये चीज नहीं पूछेगा, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा इस पे टाइम आप लोगों का नहीं लगवाने वाला, ठीक है। नहीं तो मेरा मैक्सिमम टाइम इसी के ऊपर जाता था। देखिए होता क्या है, ये एक व्यापारी है, एक व्यापारी जब दूसरे व्यापारी को माल बेचता था तो क्या करता था, ए ने बी को बिल काटा 1,00,000 रुपए का, ध्यान देंगे, ए ने बिल 1,00,000 रुपए का बिल काटा और उसके ऊपर 18% टैक्स ले लिया। पर ध्यान देंगे इसके अंदर क्या था, 10,000 रुपए का एक्साइज भी लगा हुआ है। 10,000 रुपए का क्या है इसमें, एक्साइज लगा हुआ, एक्साइज टैक्स। पहले ये 90,000 का था, 10,000 का इसमें टैक्स जुड़ गया, तो ये बन जाता था 1,00,000 का, 1,00,000 के ऊपर टैक्स लगता था 18%। ये उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। तो इसने कितने का माल बेचा बी को, टोटल इतने का। जब बी सी को बेचता था, अब कौन आ गया, बी सी को। ये इंट्रा स्टेट क्या है ये मैं बता दूंगा आपको। इंट्रा स्टेट का मतलब ये मानिए दिल्ली से दिल्ली, मतलब सेम स्टेट, ठीक है, दिल्ली से दिल्ली। पंजाब होता तो पंजाब से पंजाब, इंट्रा का मतलब ये समझिएगा, विद इन द स्टेट। अब बी जब सी को बेचता था तो क्या करता था, वो अपना मार्जिन भी जोड़ता, वो 1,00,000 का 2,00,000 कर लेता है और उसके ऊपर टैक्स लगाता तो 36,000। उसके बदले वो क्या करता था, 18,000 रुपये जो उसने टैक्स दिया था, इसने जो टैक्स इसको दिया, इसने सरकार को दे दिया ये टैक्स, इसने तो पूरी की पूरी 1,18,000 की पेमेंट इसको कर दी ए को। ए 18,000 रुपये क्या करता था, सरकार को चुका देता था। ए 18,000 रुपये क्या करता था, जो बी से आए थे, बी ने इसको कितने पैसे दिए थे, 1,00,000 प्लस 18,000। ध्यान देना ये ऐसा होता है प्रैक्टिकली, अगर जिन लोगों को नहीं मालूम तो थोड़ा नॉलेज ले लो यहाँ पर, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ, ए ने बी ने ए को पेमेंट करी है ये टोटल 1,00,000 रुपये तो इसके, और 18,000 रुपये किसके, सरकार के। तो ये बी क्या करता है, 18,000 रुपये सरकार को दे देगा। मैंने कहा ना ये अप्रत्यक्ष कर रहा है, ये सीधा नहीं देगा, ये सीधा तो इसको देगा, ओके। अब बी ने जब सी को माल बेचा तो इसने 2,00,000 का बेचा, 2,00,000 के ऊपर 18% टैक्स लगाया जो कि 36,000 हो गया, ठीक है, क्योंकि अभी 1,00,000 वाली आइटम इसने 2,00,000 की बेच दी। हो सकता है कि नहीं हो सकता, सॉरी 1,00,000 का मार्जिन होता है भैया, कई प्रोडक्ट्स में होता है, ठीक है। अब नहीं मालूम तो वो बात अलग है आप लोगों को। तो ये 18,000 रुपये इसने 18% टैक्स लगाया तो 36,000 हो गया, 2,00,000 पे 18% कितना होता है, 36,000। कैलकुलेट करो फटाफट से। अच्छा सर ये 18,000 क्यों माइनस करा है, इसको बोलते हैं इनपुट लेना, टैक्स का क्या करना, इनपुट लेना, ठीक है। तो इस बी ने क्या किया, जो टैक्स चुका के आया था ना ये 18,000 रुपये, ध्यान देना, बी ने जो इसको टैक्स चुकाया था और इसने क्या किया था, सरकार को दे दिया था, ये इसका बुक करेगा इनपुट। सर ये इनपुट शब्द तो बड़ा अजीब लग रहा है, कोई अजीब नहीं होता, होता क्या है, मैंने आपको बोला था ना फाइनल कंज्यूमर टैक्स देगा, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, फाइनल कंज्यूमर टैक्स देता है। तो फाइनल कंज्यूमर कौन है, या तो ये सी ए या इसके आगे वाला होगा कोई, या तो ये सी ए या इसके आगे भी कोई और होगा, ये हो सकता है दुकानदार हो, ये हो सकता है फाइनल कंज्यूमर हो। तो इसने इसको कितने पेमेंट दी, 2,00,000 प्लस 36,000। अब ये 36,000 सरकार को देगा पर अपने 18,000 माइनस करके, तो यानी कि 18,000 रुपये ये सरकार को और देगा। सर ये अपने माइनस करके, क्योंकि इसने पहले इसको चुकाया था, इसने पहले इसको 18,000 रुपये को चुकाया था, जिसको ये क्या कर लेगा, काट लेगा, ठीक है जी। तो इसने सरकार को कितने दिए, 18,000 रुपये, ओके। ये सिस्टम जीएसटी आने से पहले होता था। अब प्रॉब्लम कहाँ थी, ये जो 10,000 रुपये था ना एक्साइज का, ये 90,000 वाला 1,00,000 का हो गया था, क्योंकि इसके अंदर पहले क्या लगा था, एक्साइज ड्यूटी। सर एक्साइज ड्यूटी कैसे लगती थी, होता क्या था, जब आपका माल बनता था ना, जब वो फैक्ट्री से निकलता था, तो उसके ऊपर क्या लगती थी, एक्साइज ड्यूटी, सामान बनाने के ऊपर। तो सामान बनाने की ड्यूटी को 90,000 प्लस 10,000 करके हम क्या करते थे, वैट लगाते थे। ये कौन सा टैक्स था, वैट था। तो एक्साइज के ऊपर भी वैट लग जाता था, मतलब 90,000 के ऊपर 18% नहीं लगता था, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था, यानी कि इस 10,000 को भी इसके अंदर शामिल किया हुआ था। देखिए मैं थोड़ा फास्ट जरूर हूँ, जिनके लिए नया होगा थोड़ा सा उनको लग भी रहा होगा, आई कैन अंडरस्टैंड, बट इस पर ज़्यादा समय हम नहीं दे सकते, ये हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। अदरवाइज क्या करिए, आप गूगल यूट्यूब कीजिएगा तो आपको ये समझ में आएगा कि इनपुट टैक्स क्या होता है वगैरह वगैरह, है ना, आपको ये थोड़ा सिस्टम समझ आ जाएगा वहाँ पे। तो अब आपको मोटी मोटी बात ये समझनी है कि जब आप 1,00,000 पे 18% वैट लगा रहे हो, इसके अंदर 10,000 रुपये ऑलरेडी टैक्स है, 90,000 था माल की कीमत, तो 10,000 रुपये तो इसने पहले टैक्स दिया, उस टैक्स के ऊपर भी 18% दे रहे हो। वही चीज मैंने यहां पर आपको लिखने की कोशिश की, जब आप देखेंगे ये जो टैक्स ऑन 10,000, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। ये 10,000 के ऊपर 18%, यानी कि 1,800 रुपये और टैक्स लग रहा है, यानी कि ये देखिए 11,800 रुपये टैक्स लग गया। बट जीएसटी आने के बाद क्या हुआ,
ये टैक्स ऑन टैक्स यानी कि इस 10,000 वाली टेंशन को खत्म किया गया, यानी कि अब 90,000 के ऊपर 18% का सिस्टम लाने की इन्होंने कोशिश की। इससे क्या फायदा होगा, 10,000 तो ये टैक्स खत्म हो गया और 1,800 रुपए ये टैक्स खत्म हो गया, तो यहां पर इन्होंने क्या कोशिश करी, इसको बचाने की। ठीक है जी, ओके। तो ये टैक्स ऑन टैक्स का मतलब आपको समझ में आ गया। अभी सेम ये इंटरस्टेट के लिए भी था ये कहानी, ठीक है, बस यहां पर एक फर्क और आ जाता था, यहां पर आता था वैट ना होता था सीएसटी लगता था, वैट ना होकर क्या लगता था सीएसटी, जो आपने वहां पे देखा होगा पिछले 17 टैक्सेस में, जब आप सेम स्टेट में भेजते थे तो वैट लगता था, एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट में जाता था तो वहां लगता था सीएसटी, पर क्या उतने परसेंट से लगता था, नहीं, वो लगता था 2% का रेट था। पर इसका नुकसान ये था, इसका क्रेडिट नहीं मिलता था, इसका क्रेडिट नहीं मिलता था मतलब वो जब आपने 18,000 माइनस नहीं करे थे वो इसका फायदा इसको नहीं मिलता था। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, नहीं जरूरी, तो इसलिए इस पर ज्यादा टाइम टेंशन भी हम नहीं देंगे। तो ये भी एक बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ा देता था सीएसटी वाला भी, तो इसकी टेंशन भी सरकार ने खत्म कर दी, सीएसटी भी खत्म कर दिया। ठीक है, ओके। तो अब जब हम बात करते हैं कि अब देख, मैं यहां बता देता हूँ जीएसटी आने के बाद क्या हुआ, ये थोड़ा सा सिनेरियो भी आपको समझा देता हूँ। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं वहीं इसको डाल दूंगा। ठीक है जी, ओके। तो यहां पर इन्होंने कहानी और एक चर्चा करी, इन्होंने क्या कहा, इनपुट क्रेडिट जीएसटी आने के बाद अब क्या हो गया। देखिए जीएसटी आने के बाद मैंने कहा ना ये 90,000 रह जाएगा, देखिए तो सही 90,000 रह गया, और टैक्स कितना लगा अब यहां पर 16,200, बचत कितनी हो गई देखिए जीएसटी आने के बाद। बी टू सी, जब ने इसने बी टू सी बेचा, इसमें ध्यान देंगे तो अब ये टैक्स 10,000 तो यहां से कम हो गया, यानी कि मैं यही लेके चल रहा हूं कि इसने 1,00,000 रुपए का मार्जिन ऐड किया होगा। अगर आपको याद हो पहले स्लाइड में तो इसने 1,00,000 का 2,00,000 में बेचा था, अब 1,00,000 नहीं, अब इसने 1,00,000 की प्रॉफिट ऐड किया, तो यहां पे देखिए 10,000 प्रोडक्ट पहले सस्ता हो गया, इसके ऊपर टैक्स लगाया 18% माइनस किया इतना, तो टैक्स कितना जाएगा, अगेन टैक्स कितना जाएगा 18,000 रुपए, ध्यान देंगे 18,000 रुपए, ओके। अच्छा यहां पर शायद थोड़ी सी गलती रह गई, मुझे लगता है यहां ठीक करना चाहिए था मुझे, इसको आप देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि यहां तो 16,200 यहां से चला गया, यहां पे आएगा आपका 18,000 रुपए, यहां कितना आएगा 18,000 रुपए। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, ये मुझे किसी स्टूडेंट ने बताया भी था बट मैं भूल गया इसको सही करना। अब उसके बाद क्या हुआ, सी इसको कितने में बेचेगा, अच्छा सी के लिए कॉस्ट कितनी पड़ी, अब सी के लिए कितना सस्ता पड़ा, सी के लिए पड़ा 1,90,000 का। पर पिछले क्वेश्चन में एक बार मैं आपको पिछले स्लाइड में लेके जाऊं फटाफट से, पिछले स्लाइड में देखिए ये पड़ रहा था सी को 2,04,000 रुपए का, क्योंकि सी को इसका क्रेडिट भी नहीं मिलना था, सी को एक तो 10,000 रुपए ये पहले से महंगा मिल रहा था, 4,000 रुपए ये और इसमें महंगा पड़ गया, तो सी को कितना पड़ रहा था 2,04,000 रुपए का, अब सी के लिए कितने का पड़ रहा है ये, ठीक है, अब सी के लिए पड़ रहा है ये 1,90,000 रुपए का, यानी कि दूसरे स्टेट वाले के लिए बेचारे के लिए 14,000 रुपए ये प्रोडक्ट सस्ता हो गया। ठीक है, और उसको इसका क्या मिल रहा है, इसको इसका इनपुट भी मिल रहा है, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर ध्यान देके चलनी, ओके। तो ये मैंने आपको यहाँ पर इसकी चर्चा करी, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ 5 मेन बिंदु, उन 5 मेन बिंदु के बाद मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं वो भी मैं आपको बता दूं। देखिए बताने के लिए बहुत कुछ है जीएसटी के हिस्ट्री में, क्योंकि हमारे सामने ही ये चेंज हो रहा था, मतलब जब मैंने ट्रेनिंग देना शुरू किया था तब ये एक्साइज था, तब वैट था, उसी ट्रेनिंग देते देते जीएसटी भी आया, और हमने जीएसटी के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को भी देखा, मतलब जो लोग आज किताबों से पढ़ते हैं हमने तो उनका प्रैक्टिकल अनुभव किया था, लोगों से बात किया था, दिल्ली में हजारों व्यापारियों को ट्रेनिंग दिया था, उस समय जब लोगों को जीएसटी नहीं आता था तब से हम लोग जीएसटी का ट्रेनिंग दे रहे हैं दिल्ली में। तो अब बात करते हैं जीएसटी के 5 स्टेप्स, जीएसटी में देखिए मेन स्टेप्स जो जीएसटी के हैं वो है, इसमें क्या था, वन नेशन वन टैक्स लाना था, आपने बहुत सुना होगा एक देश एक कर, एक देश एक कर, तो इनका एक मेन मोटो था एक देश एक कर, हालांकि इसके ऊपर भी हम लोग बहुत ज्ञान पेलते थे वहां पर वो आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है, तो आपको याद रखना है एक देश एक कर। पर क्या ये पॉसिबल हुआ, जी नहीं ये पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि कर एक, जब इन्होंने कहा था कि एक देश एक कर होना चाहिए तो फिर भी इन्होंने जीएसटी के कई रूप ले आए, आपने सुना होगा सीजीएसटी एसजीएसटी यूटीजीएसटी आईजीएसटी, तो ये एक देश एक कर नहीं है, एक देश एक जैसे कई कर है। ठीक है, मतलब जीएसटी तो है पर जीएसटी के अंदर भी इन्होंने 4 कर दिए, हम बोलते हैं एक देश और इसके अंदर टाइप्स ऑफ टैक्सेस कर दिया इन्होंने। अब दूसरा ये याद रखना, ये स्टार पॉइंट है, ये आप एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, जीएसटी क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, डेस्टिनेशन का मतलब जहां पर ये यूज होगा वहीं पर इसका क्या होगा, टैक्स लगाया जाएगा, यानी कि अगर मुंबई से दिल्ली में माल आया है तो टैक्स किसको मिलेगा, दिल्ली सरकार को मिलेगा, मुंबई सरकार का कुछ हक नहीं है। ठीक है, इससे क्या हुआ, उन स्टेट्स को फायदा हुआ, जैसे बिहार,
वहां पर फैक्ट्रियां ज्यादा नहीं थी, वहां पर माल का उत्पादन नहीं होता था, वहां पर कंजम्पशन बहुत ज्यादा था, वहां पर वर्क बहुत ज्यादा था। तो टैक्स का फायदा किनको हुआ? बिहार जैसे स्टेट्स को, पश्चिम बंगाल जैसे स्टेट्स को। और उत्पादन कौन से स्टेट ज्यादा करते थे? तमिलनाडु, गुजरात। तो उन जगहों पर थोड़ा सा क्या हुआ, नुकसान हुआ, क्योंकि पहले एक्साइज कहाँ लगता था? एक्साइज लगता था जहां पर वो फैक्ट्रियां थी, तो वहां पर उनको फायदा हो जाता था। पर जीएसटी आने के बाद जहां पर डेस्टिनेशन होगा उनको फायदा मिलेगा। ये सभी तरह के सप्लाईज पे लगेगा और आपको क्रेडिट भी मिल जाएगा। क्रेडिट मतलब, पहले मैंने आपको बताया ना, अगर पिछले स्लाइड से आप देखेंगे वहां पर प्रॉब्लम क्या था, वहां पर जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा था तो मैंने आपको बताया ना वहां सीएसटी लग रहा और सीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता। जब आप उसको ढंग से देखेंगे तो सीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता था, पर यहाँ पर इन्होंने कहा क्रेडिट मिलेगा। क्रेडिट मिलने से क्या होगा, महंगाई कम होगी और कंज्यूमर को फायदा मिलेगा। अच्छा, तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। देखिए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब समझ गए ना, जहां पर माल जाएगा वहां पर लगेगा। इसको और भी कई नामों से जानते हैं, कंज्यूमर बेस्ड टैक्स लिख लीजिएगा यहाँ पर, सारे एमसीक्यू कवर करवा रहा हूं मैं आपके, इससे बाहर नहीं आएगा। कंज्यूमर बेस्ड टैक्स कौन सा टैक्स है? कंज्यूमर बेस्ड टैक्स, ठीक है, उपभोक्ता आधारित, उपभोग आधारित टैक्स हिंदी में भी लिख देता हूं, उपभोग आधारित टैक्स, या फिर ये डेस्टिनेशन को हम बोलते हैं गंतव्य आधारित, तो आप लोगों को हिंदी में भी लिख देता हूं गंतव्य आधारित, क्योंकि मेरे पास तो बर्बर के दोनों दोनों लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं, ठीक है। चलिए, हालांकि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर बड़ा अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ठीक है। चलिए, अब हमने इसकी जब बात करी तो अब मैं जब आगे बात कर रहा हूँ वो है यहाँ पर कि इट विल बी लेविड ऑन ऑल सप्लाईज, ये हमने कर लिया, ठीक है। उसके बाद जब हम चर्चा करते हैं वो चर्चा ये है, ओनली वैल्यू एडिशन विल बी टैक्स, ओनली वैल्यू एडिशन विल बी टैक्स। ये मेरे चार साल पहले की पीपीटीज बनी हुई है, उसमें थोड़े से चेंजेस किए मैंने, ओनली वैल्यू एडिशन। अब इसमें वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है, आपने देखा होगा जब ए से बी और बी से सी में माल जा रहा था तो टैक्स किस पे लग रहा था? वैल्यू एडिशन पे ही। उससे पहले वाला का तो क्या मिल रहा था? इनपुट मिल रहा था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या है? वैल्यू एडिड टैक्स है ये भी। मैंने आपको कहा था ना, जैसे वैट होता था ना, वैट में भी यही लगता था, वैल्यू एडिड। वैल्यू एडिड मतलब 100 वाली चीज जब ए से इसने 200 की कर दी, 100 वाली चीज ए ने बेची, जब बी ने इसको क्या कर दिया, 200 में बेचा था सी को, तो टैक्स किस पे जा रहा है? आप ध्यान देंगे, टैक्स 200 पे तो एक बार तो लगेगा, 200 पे उसने 18% 3600 रुपए तो लगाया, पर पिछले जो वो 18 देकर आया है, पिछले जो 18 देकर आया है उस पे उसने क्या कर लिया, उसका इनपुट ले लिया, यानी इनपुट मतलब वापस ले लिए, इनपुट मतलब वापस ले लिया। तो टैक्स किस पे जा रहा है सरकार को? बचे हुए 18 पे। तो यानी कि बचे हुए 18 मतलब बचे हुए 100, जो 100 का डिफरेंस आया ना उसी पे तो टैक्स जा रहा है, 100 प्लस 100 वादा, जो 100 रुपए बढ़े थे उसी पे तो सरकार को टैक्स जा रहा है, यानी कि वैल्यू एडिशन, जितनी वृद्धि हुई है मूल्य में उतने में ही सरकार को टैक्स जा रहा है, ठीक है, टुकड़ों में टैक्स जा रहा है साथ में, ध्यान रखेंगे, जितनी जितनी वैल्यू होगी, जितनी जितनी वृद्धि होगी मूल्य में उतने उतने पे ही टैक्स जा रहा है। तो ये कौन है? ये वैल्यू एडिड टैक्स भी है, ये वैट की जगह पर ही आया। मैंने आपको बोला था ना कि ये वैट खत्म तो हो गया पर वैट ही आया है, ठीक है। अब जीएसटी ने किस किस को रिप्लेस किया वो मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर ही चुका हूं। तो यहां पर फ्रेंड्स हमने जीएसटी को कुछ समझा, ठीक है, कि जीएसटी है क्या, जीएसटी के फायदे क्या है वगैरह वगैरह। तो बाकी अभी जीएसटी को हम थोड़ा सा और यहां पर समझ लेते हैं कि है क्या, थोड़ा सा और इसको, हालांकि आगे लेक्चर में फिर मैं समझाऊंगा इसको। तो खत्म क्या क्या हुआ ध्यान देंगे फटाफट से, यहां पर एक इमेज बहुत बड़ा यहां पर आपको समझा देगी क्या समझ में आता है। आपको समझ में आना चाहिए कि जो सर्विस टैक्स खत्म हुआ था, ध्यान देंगे, जो सर्विस टैक्स गया, जो एक्साइज ड्यूटी गई, जो ये इतने सारे टैक्स गए थे सेंटर के, सरचार्ज गया, उसकी जगह आ गया सीजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी जीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो वैट गया, जो कि स्टेट लगाता था, जो परचेज टैक्स गया, जो सरचार्ज गया, जो एंट्री टैक्स गया, जो लग्जरी टैक्स गया, उसकी जगह क्या आ गया? एसजीएसटी, यानी कि स्टेट आ गया। और जो सीबीडी थी, कस्टम के ऊपर लगती थी, जो सीएसटी लगती थी, उसकी जगह क्या आ गया? आईजीएसटी आ गया। तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे किसकी जगह पे कौन सा टैक्स आया है। हालांकि इसके ऊपर मैं ज्यादा बहुत ज्यादा चर्चा करते थे हम लोग, पर उस चर्चा का फायदा आप लोगों के एग्जाम में आपको नहीं होगा, तो इसलिए मैं उन चीजों की चर्चा यहाँ पर नहीं करूंगा। सर प्रैक्टिकली भी करवाओगे क्या? आपके एग्जाम के बाद प्रैक्टिकल करवा देंगे, ठीक है, अगर आप करोगे तो। पर मुझे पता है बहुत कम स्टूडेंट्स होने वाले हैं जिनको प्रैक्टिकल ज्ञान चाहिए। अच्छा, अब यहां पर मैंने आपको बताया दो तरह के टैक्सेस हो गए, टैक्स स्ट्रक्चर कैसा हो गया। डायरेक्ट टैक्स तो आज भी वैसा ही है जीएसटी आने के बाद,
ये वैसे का वैसा है, कोई चेंज नहीं। इनडायरेक्ट टैक्स बदला, कस्टम वैसा का वैसा ही है, सेंटर के पास कस्टम नहीं बदला। दो तरह का टैक्सेस हो गए, एक इंट्रा स्टेट और दूसरा हो गया इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट जब होगा, इंट्रा स्टेट अब ध्यान रखना है सेम स्टेट, इसको लिख लो, दिल्ली से दिल्ली, दिल्ली से दिल्ली, ठीक है जी। ये कौन सा टैक्स हो गया, कौन सा स्टेट, वो हो गया इंट्रा स्टेट सीजीएसटी, ठीक है। अच्छा अब जब दिल्ली से दिल्ली में लगेगा, दिल्ली से दिल्ली लगेगा तो 18% टैक्स है मान लो। अभी कौन से रेट है क्या है आपको नहीं बताता मैं, बाद में बताएंगे। 18% रेट है मान लो एक, तो उसके दो भाग होंगे 9% और 9%, उसके दो भाग होंगे 9% और 9%। पहले तो क्या होता था, ये अलग अलग टैक्सेस लेते थे अपने, पर अब इन दोनों को जोड़ दिया गया है, क्या कर दिया गया, क्लब कर दिया गया। जब इनको क्लब कर दिया गया, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन होगी, चाहे वो गुड्स की होगी चाहे सर्विस की होगी, पहले क्या होता था सर्विस पे सेंटर लेके जाएगा, पर एंटरटेनमेंट टैक्स पे कौन लेके जाएगा, स्टेट। पर अब वो कहते हैं भूल जाओ यार इन सबको, अब क्या होगा एक ही टैक्स लगेगा, ठीक है, आधा तुम लो आधा मैं लूंगा। हालांकि जब मैं बोल रहा हूँ आधा तुम लो आधा मैं लूंगा, कानून में ऐसा नहीं लिखा हुआ, कानून में लिखा हुआ साइमल्टेनियसली, मतलब हम लोग इकट्ठे टैक्स लेंगे, कितना लेंगे ये कानून ने नहीं बोला, पर आप मान के चलिए ये आधा आधा आज भी और आधा आधा ही आने वाले समय में भी रहेगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने एक उदाहरण लिया, आप भी लिख सकते हैं इस उदाहरण को, दिल्ली से दिल्ली के अंदर तो इसको बोलेंगे इंट्रा स्टेट, दिल्ली से दिल्ली के अंदर क्या बोलेंगे इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट, सेम स्टेट में, तब दो टैक्सेस लगेंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी 9% हमारे इस उदाहरण के अकॉर्डिंग, एसजीएसटी 9%, इसको आप लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में। तो यानी कि जब इंट्रा स्टेट, ये एमसीक्यू है, क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है, इंट्रा स्टेट यानी कि सेम स्टेट में लगेगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। अब स्टेट से बाहर हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम इंटर स्टेट, ये इंट्रा है ध्यान रखेंगे और ये इंटर है, इतना ही फर्क है। अच्छा इंटर स्टेट की जब बात आती है तब उसमें लगता है सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी 18% से, तब उसमें क्या लगता है सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी 18%। सर आईजीएसटी लगेगा दिल्ली से पंजाब जाएगा तो सारा पैसा सेंटर के पास जाएगा, नहीं, एक बार सेंटर के गुल्लक में जाएगा, सेंटर के बैंक अकाउंट में जाएगा, उसके बाद सेंटर क्या करेगा, जैसे मान लो दिल्ली से माल बिका पंजाब को, तो बिल के ऊपर क्या लगेगा, बिल के ऊपर लगेगा आईजीएसटी 18%। इसका 18% का 9% अभी ये सारा जाएगा कहां पे, मोदी जी के पास। अब इस मोदी जी को क्या करना है, इसके 9% यानी कि ये 9% क्या करेंगे, कैप्टन सरकार को, अमरिंदर सिंह जी की सरकार को ये क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। और मान लीजिए अब आप पंजाब से ये राजस्थान चला गया, ये माल पंजाब में यूज नहीं हुआ, तो क्या होगा, वापस से पंजाब का जो व्यापारी बिल बनाएगा वो वापस से आईजीएसटी लगाएगा 18%, वापस से पैसा मोदी जी के पास आएगा और मोदी जी वापस कहां करेंगे, 9 रुपए राजस्थान को देंगे। तो ये जब तक चलता जाएगा जब तक ये फाइनल गुड्स खत्म नहीं हो जाता, यानी कि कंज्यूम नहीं हो जाता। जहां पर ये कंज्यूम हो गया, मान लीजिए राजस्थान में कंज्यूम हो गया, तो ये पैसा कहां पे, राजस्थान सरकार के पास ही रहेगा, उसके आगे ये पैसा नहीं जाएगा, ठीक है जी, ओके। तो ये आपने समझा दो तरह के टैक्सेस, एक है इंटरस्टेट और एक है इंटरस्टेट। इस इमेज को देख लीजिए, थोड़ी सी आपको धुंधली लग रही होगी क्योंकि ये इमेज मैंने नेट से ली हुई थी, और उसका थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। गुड सप्लाइड और सर्विस ध्यान देंगे। अब अगर विद इन द यूनियन टेरिटरी, देखिए अब कौन कौन से टैक्सेस हैं उसको भी समझ लेते हैं। विद इन द यूनियन टेरिटरी, विद यूनियन टेरिटरी क्या है भैया आपके, फटाफट बताओ। सर यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़, हाँ और बताओ, दीव दमन, अच्छा अंडमान निकोबार, ये सारी है ना आपकी, ये सारी यूनियन टेरिटरीज ही तो हैं। अच्छा पौंडीचेरी, वेरी वेरी गुड, बहुत नॉलेज आप लोगों में। दादर नागर हवेली, ये सारी जो है ना आपकी, 7 है या 8 है जो भी है ना शायद, तो वो क्या है आपकी यूनियन टेरिटरी। अभी मैं जब उसकी बात नहीं करूंगा आपकी, अभी यूनियन टेरिटरी और भी तो बड़ी है, जब हम लोग पढ़ाते थे तब ये यूनियन टेरिटरी में, अब उसके बाद एडिशन हुआ, क्या एडिशन हुआ सर, उसके बाद आपको याद है जे एंड के, और उसको भी तो क्या बना दिया, क्या कहते हैं अपने लद्दाख को, वो भी क्या बन गए यूनियन टेरिटरी तो बन गए। अब स्टेट को तोड़कर क्या बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दी गया। बट ध्यान देंगे यहाँ पर, नहीं तो सीए वाले स्टूडेंट फिर पकड़ लेंगे मुझे, ठीक है। अभी हुआ क्या, ध्यान देना यहाँ पर, मैं आपको एक चीज भी बता दूं, शायद अगर आपने नोटिस ना किया हो, जब इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर को दो भागों में बांटा, या कहूँ उनको यूनियन टेरिटरी बना दिया, तो लद्दाख तो आज भी जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूनियन टेरिटरी ही है और असलियत में भी यूनियन टेरिटरी है। बट जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर को क्या किया, पहले दिल्ली, ध्यान देंगे कुछ चीजें लिखवा रहा हूं आपको लिखना, दिल्ली पौंडीचेरी वैसे तो ये यूनियन टेरिटरी है, पर इनकी अपनी आपस में क्या, इनकी इनकी क्या एक विधानसभा भी है, इनकी क्या है, इनकी विधानसभा भी है, इनमें यहाँ चुनाव भी होते हैं और इनमें क्या होता है, एक मुख्यमंत्री भी चुन लेते हैं ये लोग, ठीक है। इनकी क्या है, एक विधानसभा भी है पौंडीचेरी और दिल्ली की।
वैसे ही इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के साथ भी किया। जम्मू एंड कश्मीर भी ध्यान देंगे, जे एंड के को भी क्या किया इन्होंने, वहां भी इनकी विधानसभा है। तो इन तीन स्पेशल, इनको क्या माना गया है, जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेट ही माना गया है। सिर्फ जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको क्या दर्जा दिया गया, स्टेट का। बाकी ये क्या है, यूनियन टेरिटरी ही है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, दिल्ली, पौंडिचेरी और जे एंड के, लद्दाख की बात नहीं कर रहा, लद्दाख यहां पर आएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रहेगी आपको। ओके, तो इन तीनों को क्या किया है, स्टेट ही माना गया है। और बाकियों को क्या करना है यहां पर, अब जब ध्यान देंगे, अब मेरे क्वेश्चंस कुछ बैक टू बैक आएंगे, आप इसको लिखिएगा। जब मैं बात करूं दमन से, दमन दमन में बहुत फैक्ट्रीज लगी हुई है, अगर आपको नहीं मालूम, वहां पर बहुत फैक्ट्री लगाते जा रही है सरकार। दमन से दमन में माल बेचा है किसी ने, दमन से दमन में माल बेचा है किसी ने, तो वहां पर क्या लगेगा, क्योंकि वो है विद इन द यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी के अंदर माल बिका है। या चंडीगढ़ से चंडीगढ़ में माल गया है, तो क्या लगेगा, सीजीएसटी और यूटी जीएसटी। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, जीएसटी। ठीक है, चंडीगढ़ से चंडीगढ़ में माल बिका है तो ये लगेगा। विद इन द स्टेट, दिल्ली से दिल्ली में लगा है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, स्टेट जीएसटी। पंजाब से पंजाब में तो ये लगेगा। बिटवीन स्टेट्स, बिटवीन स्टेट्स या कहूं स्टेट्स और स्टेट्स एंड यूटी, ठीक है, या यूटी एंड स्टेट, जो भी आप बोलेंगे। यानी कि ध्यान देंगे, दमन से माल आया चंडीगढ़, दमन से आया गुजरात, दमन से आया बॉम्बे। सर गुजरात और बॉम्बे क्यों लिया, क्योंकि उनके साथ में ही है दमन, है ना। तो अगर यहां से मतलब अपनी जगह से दूसरी जगह में गया ये माल, तब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना है, आईजीएसटी। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको, अगर नहीं आया तो दोबारा से इसको देखिएगा। सेम जगह पे, सेम यूनियन टेरिटरी में, अगर चंडीगढ़ से चंडीगढ़ गया है तो आपको ये लगाना है, चंडीगढ़ से दिल्ली गया तो आपको आईजीएसटी लगाना है। वापस से बोल रहा हूँ, चंडीगढ़ से दिल्ली गया तो क्या लगाओगे, यहाँ आ जाओगे। चंडीगढ़ से चंडीगढ़ गए तो, चंडीगढ़ से चंडीगढ़ गए तो यहाँ आ जाओगे। राजस्थान से राजस्थान गए तो यहाँ आ जाओगे। राजस्थान से दिल्ली गए तो यहाँ आ जाओगे। मतलब अपनी जगह को जैसे ही पार किया तो आईजीएसटी आ जाएगा, और अगर आप सेम जगह में हो तो बस। और यहाँ पर सिर्फ इतना ही फर्क है यूनियन टेरिटरी और स्टेट जीएसटी में, ये यूनियन टेरिटरी के लिए और ये स्टेट के लिए। और दिल्ली, पौंडीचेरी और जे एंड के को आप याद रखिएगा, इनको स्टेट का दर्जा मिला हुआ है जीएसटी के अंदर। ठीक है जी, चलिए अब आगे चलें। हाँ सर, कौन कौन से टैक्सेस को जीएसटी के अंदर शामिल नहीं किया गया, उसको देख लेते हैं। मैंने जैसा आपको बताया था, ये याद रखेंगे आप, ये क्वेश्चन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टम ड्यूटी को नहीं रखा गया, ठीक है। अदर एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफ गार्ड ड्यूटी, ये भी कस्टम के अंदर ही लगाई जाती है, तो इनके नाम को याद रखेंगे, इनको बताना मुझे जरूरी नहीं है आप लोगों के एग्जाम के लिए। एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये भी कस्टम की ड्यूटी है, तो यानी कि ये कुल मिलाकर कस्टम की बात कर रहे हैं ये लोग, कुल मिलाकर किसकी बात कर रहे हैं, कस्टम ड्यूटी की। ठीक है जी, अब बात करते हैं कुछ स्टेट टैक्सेस को भी जीएसटी के अंदर शामिल नहीं किया गया, क्योंकि स्टेट्स का डर था यार, सारे टैक्सेस तो आप लेके जा रहे हो, पता नहीं जीएसटी से हमें कमाई होगी कि नहीं होगी, भविष्य की बातें हैं ये। तो कहते हैं इन चीजों को छोड़ दो। कौन कौन सी चीजें बाहर रह गई, रोड टैक्सेस, टोल टैक्सेस, प्रॉपर्टी टैक्सेस, स्टैम्प ड्यूटी, आप जानते हैं स्टैम्प ड्यूटी आज भी लग रही है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी यानी कि बिजली पे कर, लग्जरी टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह वगैरह, ये सारे टैक्सेस क्या हैं, आज भी जीएसटी से बाहर है ये स्टेट। इस पे अपना माल आराम से कूट रहे हैं सर, माल कूट रहे हैं, और क्या, जीएसटी में ले आते तो कंज्यूमर का फायदा होता है, आज कंज्यूमर की रेल बना रखी है इन लोगों ने। रेट ऑफ टैक्सेस, देखिए मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बनाना था, पर ठीक है इसी वीडियो में इसको शामिल कर रहा हूँ। तो कितने तरह के रेट्स हैं, देखिए रेट तो 5%, 12%, 18% और 28% ही आया था, ध्यान देंगे यहाँ पर कुछ एडिशन हुआ है, 5, 12, 18, 28। इसके अलावा एक ये रेट भी होता है, सर बोल के तो बताओ ये रेट क्या है, ना मैं नहीं बोलूंगा सर, क्यों नहीं बोलोगे, कारण है उसके पीछे। एक ये रेट भी होता है, जैसे आप क्या बोलते हो, शून्य, सर इसको इंग्लिश में बोलो जीरो, पर जैसे मैं जीरो बोलता हूँ तो यहाँ कन्फ्यूजन आ जाता है। ठीक है, मैं बता देता हूँ क्या कन्फ्यूजन है, उस पर भी छुपाएंगे कुछ भी नहीं, पढ़ाएंगे तो मस्ती से पढ़ाएंगे। क्या है, इसको हम जीरो बोलते जरूर है, पर जीएसटी में ना एक कन्फ्यूजन रहता है लोगों को, एक है जीरो रेटेड, तो लिख लेना इसको, मतलब क्या है जीरो रेटेड का मतलब होता है एक्सपोर्ट। ठीक है जी, जीरो रेटेड गुड्स अगर सुन लो तो उसका मतलब होता है एक्सपोर्ट किया गुड्स को। ठीक है, और इसको जीरो का देखिए आप क्या बोलते हैं, इस जीरो को हम बोल देते हैं निल बोल देते हैं। ठीक है, इसको हम निल बोल देते हैं, तो ये जीरो नहीं है, बस आप ये ध्यान रखेंगे, ये जीरो, ये वाला जीरो नहीं है, जीरो रेटेड का मतलब होता है एक्सपोर्ट। जीएसटी में ये गड़बड़ इन लोगों ने करी है। ओके ओके,
यहाँ पर हम इसको शून्य बोल देते हैं, विदाउट टैक्स बोल देते हैं, टैक्स रेट नहीं है ये बोल देते हैं, कुछ भी बोल दीजिए आप इसको। इसके अलावा भी कुछ और रेट हैं, जैसे एक 0.25% लाए और एक 3% का रेट भी है। सर ये रेट क्यों लाए? 3% का रेट ये लोग लेके आए गोल्ड सिल्वर वगैरह जो आप बुलियन इक्विपमेंट लेते हैं, गोल्ड सिल्वर कॉइन। जब आप ज्वेलर के पास जाएंगे तो वो 3% लेगा, ज़्यादा मत दे देना, वो कहे 5% लूंगा। और 0.25% कहाँ लगता है? ये आपके जो रो डायमंड जो लेंगे ना, प्रीशियस पत्थर, जैसे वो नीलम विलम जो आते हैं पत्थर आते हैं, नीलम आता है और बहुत सारे पत्थर आते होंगे कीमती पत्थर, ठीक है, तो उन सब पे क्या है 0.25%, मतलब 1% का भी चौथाई भाग। तो ये रेट भी कुछ हैं, इनको ध्यान रखिएगा। बट मेनली इन्होंने चार रेट लगे थे, इसके अलावा भी एक सेस लगाया इन्होंने। इसके अलावा 28% की कुछ आइटमों पे, जैसे तंबाकू है उस पे इन्होंने क्या लगाया, सेस भी लगाया, जिसका इन्होंने नाम दिया कंपनसेशन सेस। क्या नाम दिया? क्षतिपूर्ति सेस, ठीक है, कंपनसेशन सेस। मैं लिख देता हूं कंपनसेशन सेस। जैसे कुछ बड़ी बड़ी बोल्ट की बाइक भी है, बोल्ट की बाइक पे 28% का कर रहा है, उसके ऊपर सेस भी लगता है, ठीक है। मतलब महंगी महंगी चीजों पे वो कहते हैं यार जब इतनी महंगी चीज खरीद ही सकते हो तो थोड़ा टैक्स और भी दे दो, तो उसके लिए कंपनसेशन सेस भी लगा दिया। हालांकि जब जीएसटी बना था तब इन्होंने कहा था कि हम इस तरह का कुछ नहीं करेंगे, पर बाद में इनका मन बदल गया और इन्होंने सेस भी लगा दिया। कहते ना लालच बुरी बला है, तो बस लालच कर दिया सरकार ने और अपना सेस भी लगा दिया। अब कुछ स्पेशल प्रोविजन है जीएसटी के अंदर, इनको ध्यान रखेंगे, इसके ऊपर आपके बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। सच्ची? हाँ बिल्कुल सच्ची बताओ सर, ऐसे मत करो। अरे यार मजाक थोड़ी ना करूँगा आप लोगों से, आपके साथ मजाक करूँगा क्या सर? और क्या हमसे ही करोगे और किससे करोगे मजाक? बात तो सही है, ये ध्यान रखेंगे। ये स्टेट टैक्स है, ये सेंट्रल टैक्स है और ये आपका जीएसटी है। पेट्रोल ये स्पेशल प्रोडक्ट है, इनको स्टार मार्क कर लेंगे, क्वेश्चन पूछने वाला यहाँ पे आपसे मजे ले सकता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर क्या है? नो जीएसटी, आपको पता ही है जीएसटी नहीं है और बड़ी बार बार डिमांड हो रही है आज की डेट में, तो जीएसटी मिलाओ जीएसटी मिलाओ जीएसटी मिलाओ। पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी नहीं है। क्या सेंट्रल टैक्स है? इस पे है, बाकियों पे मैंने आपको बताया ना, बाकियों पे चला गया है। स्टेट टैक्स इस पे है? बिल्कुल है। मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर आज भी क्या लग रहा है? सेंट्रल टैक्स लग रहा है और स्टेट टैक्स लग रहा है। सर सभी पे ऐसा है? अरे नहीं, वो जो बाइक में अपने डालते नहीं है वो पैकेट आता है, मुगलैल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो उसके ऊपर अभी जीएसटी के अंदर है वो, ठीक है। बाकी जो आप पेट्रोल डीजल ये लो चीज़ें लेके आते हो ना, उनके ऊपर क्या है? जीएसटी नहीं है उनके ऊपर, आज भी वो पुराने टैक्सेस ही चल रहे हैं। लिकर, वही वही दारू है ना, हाँ दारू दारू ढैया क्या क्या बोलते हैं इसको, सर आपको बड़े नाम है, बड़े फिल्में देखी हैं मैंने, ठीक है। इसके ऊपर जीएसटी नहीं, इसके ऊपर सेंट्रल टैक्स नहीं, याद रखना है कौन सा टैक्स है किस पे नहीं है, स्पेशल प्रोडक्ट है। स्टेट टैक्स यस, आपने देखा नहीं होगा कोरोना के टाइम पे दिल्ली में बड़ी न्यूज में आया था, कोरोना के ऊपर दिल्ली सरकार ने वो 1000 रुपए की बोतल के ऊपर 1000 रुपए तो टैक्स लगा दिया था, 1500 रुपए, ठीक है। वही 999 रुपए वाली बोतल क्या कर दी थी, 2000। सर बड़े रेट याद है आपको, बस रेट ही याद है, गलत मत समझ लेना, ठीक है। अगर मैं यूज करता तो थोड़ा सा ऐसे ना हो जाता? बात तो सही है सर, प्रूफ दे दिया मैंने, देख लो। अच्छा बात करते हैं तंबाकू की, तंबाकू की जब मैं आपसे बात करता हूँ तो अब इसको ध्यान देना, ये डबल स्टार है, ये आपकी नॉलेज के लिए भी डबल स्टार है। जीएसटी लगेगा? लगेगा। सेंट्रल टैक्स लगेगा? लगेगा। स्टेट टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा। अब ध्यान देना क्या हुआ, जब जीएसटी आ रहा था ना तो सरकारें कहती नहीं शराब पे तो हम टैक्स लेंगे लेंगे, हम इसको जीएसटी में शामिल नहीं करेंगे, तो सरकार कहती ठीक है आपने भी एक प्रोडक्ट छांट लिया हम भी एक प्रोडक्ट छांट लेते हैं। तो केंद्र सरकार ने क्या किया, स्टेट ने छांट लिया था, केंद्र सरकार कहती देखो हम सेंट्रल टैक्स लेंगे किस पे, तंबाकू पे, वही आती है ना आपकी सिगरेट सुट्टा जी, उस पे क्या किया इन्होंने, उस पे इन्होंने क्या किया, फिर हम यहाँ रखेंगे, आप शराब रखो हम ये तंबाकू रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उस पे क्या लगता है, जब भी तंबाकू बनता है फैक्ट्री में तो सबसे पहले लगता है एक्साइज, एक्साइज लग के जैसे ही फैक्ट्री से बाहर लगेगा तो आपको पता है ना ये जीएसटी जब सामान बिकता है जब बिल कटता है तब लगता है, एक्साइज बनने पे लगता है, सामान जैसे ही बना लिया आपका एक्साइज टैक्स तो लग गया चाहे माल बिके ना बिके, और जैसे ही माल बिका इनवॉइस कटा तो उस पर क्या लगता है जीएसटी। तो जैसे ही देखो सरकार के पास ये पैसा तो पूरा किसके पास गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यहाँ पर जब जीएसटी लगा तो आधा पैसा किसके पास गया, आधा स्टेट के पास गया आधा सेंटर के पास गया, मतलब सेंटर को यहाँ पर क्या हुआ दो बार पैसा मिला, एक बार एक्साइज से भी मिला और एक बार जीएसटी से भी मिला, ठीक है। तो यहाँ पर इसने सरकार ने अपनी पूर्ति कर ली। तो यहाँ पर मोटी मोटी हमने कुछ बातें समझ ली हैं, यहाँ पर हमने मोटी मोटी क्या बातें समझ ली हैं कि भैया जीएसटी में बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ऐड की हैं,
इसके अलावा भी कुछ और पॉइंट हैं, ठीक है। ये तो मेरी, ये देखो प्रेजेंटेशन खत्म हो गई है, और आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे जाना है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाओ भैया, ये पीडीएफ वगैरह वहीं मिलती हैं। बार बार आप यूट्यूब चैनल पे मैं नहीं आता, ठीक है, वीडियो बनाना बहुत टाइम टेकिंग होता है, तो टेलीग्राम पे आ जाओ, वहाँ पे बहुत मसाला मिल रहा है। GST राजस्थान GK भी कुछ भी हमारी टीम ने बनाया आप लोगों के लिए मसाला, वो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर लो। तो सर क्या अभी यहाँ पे खत्म होगी कहानी? क्या कुछ कहानी के पॉइंट्स कुछ और हैं वो भी करवा देते हैं आपको, है ना? तो चलिए एक बार वापस से इसमें थोड़ा सा और एडिशन करते हैं। एडिशन क्या है, मैंने लिख रखे हैं, अभी तो मैंने पूरी PPT करवाई जो मैं वहाँ करवाता था। अभी इसकी ना एक कहानी है कि GST विचार कहाँ से आया। तो मोटा मोटा देखिए, GST का विचार तो ना सन 2000 में आया, 2000 में, सन 2000 में, 2000 रुपये, देखो रुपये की बातें याद आती है, ईयर 2000 में आ गया था इसका विचार। फिर एक कमेटी बनाई गई सरकार के थ्रू, केलकर कमेटी, नाम याद रख लेना आप केलकर, है ना, उन्होंने कुछ सजेशन वगैरह भी दिए। फिर GST की प्रस्तावना आई, फिर पी चिदम्बरम जी ने ना, जो उस समय अब फाइनेंस मिनिस्टर थे 2006 में, ये मेरी कहानी सी है याद कर लेना, याद हो जाए तो, 2006 में कहा कि हम 2010 में GST ले आएंगे। वो कहते हैं ना संसद में कसम खाई उन्होंने, पर वो कसम टूट गई। फिर मोदी जी आए 2014 में, ठीक है, क्योंकि क्योंकि हमारे क्या थे, जो सरकार थी ना UPA की, मनमोहन सिंह जी की, वो सेकंड जब टर्म आया उनका अगला 5 साल, तो बड़ी कमजोर सरकार बनी, तो वो इतनी हिम्मत नहीं कर पाई, वो GST ला नहीं पाई, रजामंदी नहीं दे पाई। पर जैसे मोदी जी आए प्रचंड बहुमत के साथ, उन्होंने कहा कि भैया इसको लाओ GST को, तो GST को लाने की कार्यवाही शुरू हुई 2014 में। तो धीरे 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 इन्होंने क्या किया, सारे वापस बैठे, स्टेट्स को इकट्ठा किया, क्योंकि इसमें जरूरत यह थी कि सेंटर और स्टेट्स दोनों को मानना था, सेंटर और स्टेट्स दोनों को मानना था, जब तक ये नहीं मानते तो GST आ नहीं सकता था। तो इन्होंने वापस से, जेटली जी ने पूरी कोशिश की, बिठाया इनको टेबलों पे, कहते भैया थोड़ा तुम सेक्रीफाइस करो, थोड़ा हम करेंगे, और मिलजुल के हम दोनों आगे बढ़ते हैं, देश को आगे बढ़ाते हैं। तो वन नेशन वन टैक्स जो लाना था, एक देश एक कर लाना था, ठीक है। हालांकि ये 1954 में कई कंट्रीज में आ चुका था, कितनी कंट्रीज में, आज की डेट में 160 प्लस कंट्री में ये टैक्स है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन MCQ का जो आपके लिए बहुत जरूरी होता है, एक तो मैंने केलकर कमेटी का आपको बता ही दिया, ठीक है, तो 160 प्लस कंट्री में ये GST, क्या GST के नाम से है? नहीं, मोस्टली कंट्री में VAT के नाम से भी है, मोस्टली कंट्री में VAT के नाम से भी है। जैसे मैं आपको बताऊँ एक चीज, एक इन्फॉर्मेशन और देता हूँ मैं ना आपका, क्या कहते हैं, गल्फ कंट्रीज में भी ना VAT है, गल्फ कंट्रीज में भी VAT है, उसकी भी मुझे नॉलेज है, मतलब मैं वहाँ पे भी VAT की ट्रेनिंग्स दे सकता हूँ गल्फ कंट्री में। वहाँ पे अलग तरह का, वहाँ पे VAT है वो GST है, VAT है जो GST है, पर उसका भी मैं ट्रेनर बन सकता हूँ, नॉलेज है, पर मैंने शुरू नहीं किया, समय नहीं मिला, ठीक है। उम्मीद, अगर कभी समय मिला तो हम वहाँ के लिए भी लेक्चर रिकॉर्ड कर देंगे। हाँ, अगर आप में से किसी ने सीखना हो गल्फ कंट्री में जाने के लिए, तो मैं ट्रेनिंग दे सकता हूँ, चलो ठीक है। तो VAT और GST, कहीं VAT के नाम से, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना VAT GST और GST VAT है, ठीक है, तो VAT या GST के नाम से 160 प्लस कंट्री में ये ऑलरेडी है, और 1954 में सबसे पहले ये लॉन्च किया गया था। अच्छा, अब जब मैं कहता हूँ ये इतनी सारी कंट्री में है, तो इसके दो स्ट्रक्चर है, ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन बन जाता है। मोस्टली कंट्रीज में ये सिंगल सिस्टम पे है, सिंगल स्ट्रक्चर, मतलब पूरे देश में एक ही पावर है, पर ब्राजील और कैनेडा ये दो ऐसी कंट्री थी इंडिया के GST से पहले जो कि ड्यूल स्ट्रक्चर पे चल रही थी। किस पे? दो स्ट्रक्चर पे, ब्राजील और कनाडा ड्यूल स्ट्रक्चर पे चल रही थी, मतलब दो जैसे, और उसके बाद फिर कौन सी आ गई, इंडिया भी आ गया। इंडिया में क्या ड्यूल स्ट्रक्चर है ना, CGST और SGST, क्या है, दोनों में पावर है। तो ब्राजील और कनाडा थे, उसके बाद क्या आ गया इंडिया में भी, इन्होंने क्या अपनाया, ड्यूल स्ट्रक्चर, मतलब ये लोग लड़ते थे पहले, इन्होंने कहा कि एक ही लाएंगे, एक ही पावर दे दो, स्टेट कहते ना 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 ना, माने नहीं। फिर इन्होंने क्या किया, ये कनाडा वाला एग्जांपल सेट किया, और उसके बाद इंडिया में GST आया। तो आपको ये ध्यान रखना, इंडिया में ड्यूल स्ट्रक्चर है, ये भी एक MCQ है, और किसके बेसिस पे, ब्राजील और कनाडा, ये ध्यान रख लेना भैया, मैं सारा कुछ करवा रहा हूँ, जहाँ MCQ आ सकते हैं बाद में मत बोलना मेरे को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि भैया ये क्यों आया। हाँ, अब आता है GST काउंसिल। अब ये क्या मसाला है, ध्यान रखना, हुआ क्या, जब ये टेबल पे बैठे सब कुछ सेट होने लगा, तो इन्होंने फिर जब संसद में ये सारा कानून ताम झाम सा आया, तो इन्होंने वहां पर सेटिंग करी कि भैया एक ना टेबल बनाओ, बुलाओ लकड़ी वाले को, वहां पर क्या है सबकी टेबलें लगाओ, ठीक है जी। कितनी टेबलें लगी वहां पर, टेबलें लगी 33 सर, 33 टेबलें लगी, जी हाँ, कितनी टेबलें लगी वहां पर, 33। कैसे कैसे लगी बताता हूँ मैं आपको, स्टेट कितने हैं मेरे को तो ना पता, 28 स्टेट हो गए वापस से, जम्मू एंड कश्मीर को अब, है ना, 28 तो स्टेट हो गए,
उसके बाद 29 हो गए थे ना, तेलंगाना बनाया था इन्होंने, पर वापस से जम्मू एंड कश्मीर को अब स्टेट ना रह गए। तो तीन मैंने आपको वो बताए थे, दिल्ली एक, जे एंड के और एक पौंडीचेरी, प्लस दो कहाँ से हैं, सेंटर से हैं, ध्यान रखेंगे 31 कैसे, ये कैसे हैं 33, दो सेंटर से हैं, एक तो है निर्मला सीतारमन जी और एक है अनुराग ठाकुर जी, इसकी मैंने पोस्ट का नाम भी लिखा था क्या था, हाँ यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड रेवेन्यू, अनुराग ठाकुर जी की पोस्ट का नाम है यूनियन मिनिस्टर स्टेट्स एंड, वही है क्या है, स्टेट्स एंड रेवेन्यू, ठीक है, तो ये थोड़ा देख लेना, ज्यादा कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, ठीक है। और ये कौन सी है, फाइनेंस मिनिस्टर, दो तो सेंटर के बंदे हैं इस टेबल के अंदर, तीन हो गए दिल्ली वाले, पांडुचेरी वाले, और आपके कौन सा हो गया तीसरा, जम्मू कश्मीर वाले, और बाकी 28 राज्यों के एक एक बंदा इन सब की तरफ से यहां बैठता है ये 33 टेबलों के ऊपर। अब सर होता क्या है इस फंक्शन में, ये देखिए जीएसटी काउंसिल इसका नाम दिया गया, पहले तो याद रखेंगे जीएसटी काउंसिल कितने लोग हैं, 33 लोग हैं। अब इनकी पावर्स कैसे है और क्या क्या, कोई भी मुद्दा पास करना है तो 75% से ज्यादा, 75% से ज्यादा वोट होने, वोट मतलब पावर जुड़नी चाहिए। अब ये पावर कैसे, ध्यान से सुनना, कोई भी मुद्दा पास करना है, मान लो वो कहते हैं कि शराब पे टैक्स बढ़ा दो, सॉरी शराब तो मैंने वापस ले लूंगा शराब, क्योंकि शराब पे तो टैक्स जीएसटी में लगता ही नहीं है, ठीक है, मतलब कोई भी मुद्दा है, मान लो वो कहते हैं कि जूतों पे टैक्स 5% से 12% करना, रेट याद हो गए ना, 5, 12, 18, 28 और उसके अलावा भी मैंने दिए हैं, वो कहते हैं 5 से 12 कर दो, तो 5 से 12 करने के लिए जो पावर चाहिए, वोटिंग चाहिए, उस वोटिंग का जो प्रतिशत आए वो 75% से ज्यादा आना चाहिए, नहीं थर्ड फोर्थ से, ठीक है। अब वो कहते हैं ध्यान देंगे, 1/3 पावर किसके पास है, सेंटर के पास, 1/3 इन दो लोगों के पास पावर है, किनके पास, सेंटर के पास, और जो 2/3 पावर है 66.66% वो किसके पास है, सभी स्टेट्स में बटी हुई है, सभी स्टेट्स में बटी हुई, यानी कि ये जो 31 लोग है ना इनमें ये 66% की पावर बटी हुई है। सर वापिस से बताओ, 33 लोग बैठेंगे जिनमें से सेंटर के पास पावर है 1/3, यानी कि 33.33% पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, बाकी पावर किनके पास है, 2/3 स्टेट्स के पास, सभी स्टेट्स के पास मिलाकर। और ध्यान देंगे किसी भी मुद्दे को पास होने के लिए चाहिए 75%, इसका मतलब क्या समझते हैं आप, समझते हैं ना कि बिना सेंटर की मर्जी के, बिना सेंटर की मर्जी के यानी कि केंद्र सरकार की मर्जी के कोई भी बात तो पास हो ही नहीं सकती, क्योंकि इनके पास पावर कितनी है 33, और पास होने के लिए पावर कम से कम कितना रेजोल्यूशन चाहिए, 75% से ज्यादा, कितने, तो 75 में से अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट कहते ना तो बाकी तो 66 ही बचे ना, चाहे सारे स्टेट्स मान भी जाएं तो भी कोई बात वहां से पास नहीं हो सकती। तो ये आप जीएसटी काउंसिल के ऊपर चर्चा ध्यान रखेंगे, जीएसटी काउंसिल में कैसे होते हैं, ठीक है। चलिए तो ये बातें आपको मैंने बतानी थी, जीएसटी काउंसिल में ये पूछ लेता है कि कितनी परसेंट पावर चाहिए, तो 75% स्टेट्स के पास कितनी पावर है, 1/3 और सॉरी 2/3 और सेंटर के पास 1/3, तो ये आपको पता होना चाहिए कितने मेंबर हैं, 33 मेंबर हैं, 2 मेंबर सेंटर के हैं, 3 वो आपके 3 स्पेशल स्टेट्स और 28 आपके राज्य, तो ये बातें भी मैंने आप लोगों के लिए रखी हुई थी यहाँ पर। चलिए तो ये सारी बातें आप लोगों के लिए यहाँ पर जीएसटी में है, और भी कुछ ऐसी बातें मैं आपको धीरे धीरे बताता जाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक्स के साथ। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर कर दो, फैला दो, ठीक है, क्योंकि देखो मेहनत बहुत लगती है, मैंने ये सारी कार्यवाही लिखी, अपने आपको बांधा है, और आपके एग्जाम के इतने सारे MCQs यहाँ पर कवर कर दिए हैं, अगर आप अटैम्प्ट करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। अच्छा एक MCQ और बता देता हूँ, हालांकि आप लोगों को पता होगा यहाँ पर वो बताना चाहिए था मुझे, क्योंकि मैटर इतना सारा है कि उसको मैं कैसे बांधूं। आपका जीएसटी 1 जुलाई 2017 को, ये भी एक एमसीक्यू बार बार पूछते हैं, सर ये तो आपने बताया ही नहीं था, तो सुन लो, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी पूरे इंडिया में लागू हुआ सिवाय जम्मू एंड कश्मीर को, और 28 जुलाई 2017 को जम्मू एंड कश्मीर में लागू हुआ था, मतलब बाकी सारे जगह पूरे इंडिया में 1 जुलाई 2017 को लागू हो गया था जुलाई, और जे एंड के में जम्मू एंड कश्मीर में 8 जुलाई को ये लागू हुआ था। तो ये भी एक क्वेश्चन है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी है कि भैया, हालांकि तो देखो इनकम टैक्स में हम लोग वो पढ़ चुके हैं कि इनको पावर कहाँ से मिलती है, मैंने 3 लिस्टों की बात करी, उसके बाद जीएसटी लाने के लिए ना इन्होंने 2-3 लिस्टों में चेंज किया, तो वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना जरूरी नहीं लग रहा है, तो उसको मैं यहाँ पर रहने दे रहा हूँ,
ठीक है, अगर आप लोगों को लगे कि सर वो भी बता दो क्या पॉइंट्स है, तो कमेंट में लिख देना कि सर वो भी करवा दो अगले लेक्चर में, तो मैं उसको भी शामिल कर लूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ऐसी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा ताकि हम वहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट दे सके। और अगर आपको कोई कोर्सेज लेने हैं तो कोर्सेज के लिए ऑलरेडी आपको पता ही है कि देख डेमो पे काफ़ी प्राइस को अब कम भी कर दिया गया है। जी हाँ, प्राइस को काफ़ी कम कर दिया गया है, तो आप इन कोर्सेज को भी देख सकते हैं। ये देखिए आप लोगों के लिए ये सारे कोर्सेज, तो दोनों कोर्सेज हैं हमारे पास। ऐसा नहीं है कि एक कोर्स है और अच्छे खासे प्राइस कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, होली ऑफर चल रहा है अभी, तो अगर आप ये कोर्सेज लेना चाहें तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।